हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आपका फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। लास्ट वीडियोस में आपने मेरे साथ पढ़ा है मीनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के डिफरेंट फॉर्म्स आपने स्टडी करे, जो कि आपने अपने सेकेंड यूनिट में मेरे साथ डिटेल में पढ़ा भी है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड यूनिट में हम बात कर रहे हैं आपके प्राइवेट सेक्टर की, पब्लिक सेक्टर की। तो प्राइवेट सेक्टर वी आर डन इन डिटेल इन सेकेंड यूनिट, और आपके पास पब्लिक सेक्टर को हमें डिटेल में स्टडी करना है आपके थर्ड यूनिट में। अब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की जब हम बात करते हैं, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं, आपके पास सोशल वेलफेयर उनका प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अब आपके पास स्टार्ट करें कि कितने टाइप्स के आपके पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, उनको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि कॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड दोनों ही टाइप को आपको यहाँ पे स्टडी करना है। कॉर्पोरेटेड जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं एंड नॉन इनकॉर्पोरेटेड जो रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं। अब उस केस में जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं या आपके पास आपके नॉन रजिस्टर्ड हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग प्रोविजंस हैं। आप डिफरेंट फॉर्म्स यहाँ पे स्टडी करेंगे कि एक के लिए रेजोल्यूशन पास करना है तो दूसरा आपका पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है, तीसरे के लिए आपने कंपनी की तरह प्रोसीजर्स स्टार्ट किया है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल में स्टडी करनी है। मेन जो इनका मोटिव रहेगा वो आपके पास रहेगा आपका पब्लिक वेलफेयर। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला आता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। नाम से थोड़ा सा रिजेंबल कर रहा है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग यानी कि पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट है आपके पास यहाँ पे, जो कि आपकी एक कंसर्न मिनिस्ट्री के अंडर के डायरेक्शन में काम करेगा। कि कोई भी आपके पास जैसे हम रेलवे का एग्जांपल लें तो रेलवे मिनिस्टर के अंडर में आकर के वो सारा आपके काम करते हैं। अब आपके पास डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की अगर हम बात करें तो जो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है, वो कौन होगा आपके पास यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में? जो भी पर्टिकुलर आपके पास जो कंसर्न मिनिस्ट्री है, आपका जो डिपार्टमेंट है उसका जो सेक्रेटरी है, वो आपके पास यहाँ पे आपका सीईओ रहेगा। उसके साथ साथ जो भी मिनिस्टर है आपकी पर्टिकुलरली आपकी कंसर्न डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का, वो अकाउंटेबल रहेगा कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में काम कैसा हुआ है कैसा नहीं हुआ। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम एग्जांपल दें तो इंडियन रेलवेज आपका बेस्ट एग्जांपल है। रेलवे मिनिस्टर के अंडर में वो चलते हैं, रेलवेज में एक्सीडेंट हुए हैं, आपके ट्रैक्स के साथ कोई इशूज़ है या रेलवेज के साथ कोई इशूज़ है, तो वो आपके सीधा अकाउंटेबल किसको बना देते हैं? रेलवे मिनिस्टर को। अगर आपको याद हो तो आपके पास आपके लास्ट टाइम में कुछ ऐसा हुआ भी था, आपके जो कंसर्न मिनिस्टर्स थे बिहार यूपी में, जब काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स हो रहे थे तो आपके पास मिस्टर प्रभु जो थे तो उनको आपके पास आपके बनाया भी गया था अकाउंटेबल और उन्होंने रिजाइन कर दिया था अपनी पोस्ट से। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, आप जो पोस्ट ऑफिस यूज करते हैं वो आपके इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। आपके इंडियन रेलवेज, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, ये सभी आपको एग्जांपल्स हैं आपके डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के। वन मार्क में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एग्जांपल्स के लिए भी आपसे ये भी पूछा जा सकता है, नेम द टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ओनली, तो आपका आंसर होगा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। स्टार्टिंग विद इट्स फीचर, सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेशन की। तो आपके पास फॉर्मेशन में जब हम बात करते हैं तो आपकी गवर्नमेंट का ही पार्ट है, एक गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया जाता है और उसको नाम दे दिया जाता है आपके पर्टिकुलरली, और वो आपके फिर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के चीज़ों में आपके काउंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फॉर्मेशन के लिए ऐसा कोई रेजोल्यूशन नहीं है, आपके सिर्फ एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाता है और आपके पास आपकी गवर्नमेंट का ही पार्ट है। नेक्स्ट ओनरशिप की अगर हम बात करें, फुल्ली ओनरशिप कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय आपके पास आपकी गवर्नमेंट की करती है, बाहर का कोई प्राइवेट इंडिविजुअल का कोई रोल यहाँ नहीं होता है। सारा जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो जो गवर्नमेंट का ही हिस्सा है वो ही मैनेज करेगा, वो ही कंट्रोल करेगा, वो ही सारे आपके की डिसीजन लेगा। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट, ऑब्वियसली बात है जिसकी ओनरशिप है वही मालिक है, वही आपके मैनेजमेंट है, वही सब कुछ आपके करता धरता वाले काम करेगा। तो मैनेजमेंट जो है वो सारा आपका कंसर्न मिनिस्ट्री जो है वो संभालता है। जैसे इंडियन रेलवेज की हम बात करें तो रेलवे मिनिस्टर्स जो है उनका जो पर्टिकुलर कैबिनेट रहेगा वो पूरा पर्टिकुलरली आपकी सारी चीज़ों को रन करता है। फाइनेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फाइनेंसिंग की जब हम बात करते हैं तो फुल्ली फाइनेंस आपका गवर्नमेंट देखती है, आपके डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पब्लिक से बोरो नहीं कर सकती है। इंडियन रेलवेज कभी भी पब्लिक से बोरो नहीं करता है, फुल्ली फाइनेंस आपकी गवर्नमेंट करेगी, नॉट इवन अ सिंगल पेनी यू कैन बोरो फ्रॉम योर पब्लिक, नो। तो आपके पास यहाँ बैन है पब्लिक से बोरो करने के ऊपर, सीधा सीधा फाइनेंस ट्रेजरर आपके पास खजानची जो आपके लिए होगा, जो फाइनेंस करेगा आपकी प्रपोजिशंस को, वो गवर्नमेंट करती है। आपने देखा भी होगा रेलवे बजट पहले अलग से आता था तो उसमें पूरा प्रॉपर एलोकेशन किया जाता था कि किस तरीके की डायरेक्शंस में रेलवेज के लिए क्या चीज़ें रहेंगी। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो आपके यूपीएससी एंड एसएससी के एग्जाम्स होते हैं आपके, सॉरी एसएसबीज़,
आपके पास यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके थ्रू आप आईएएस के एग्जाम्स दे रहे हैं, वो यूपीएससी ही है। और आपका एसएसबी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड्स या आपके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके एग्जाम्स कंडक्ट कराती है और आपके डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के लोगों को हायर करती है। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस गवर्नमेंट का ही पार्ट है, खुद का कोई अपना इनका आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस नहीं होता, कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, लीगली आपके पास ये अलग नहीं होती है गवर्नमेंट से। और यहाँ पे अपने नाम से ना तो एक प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं, ना सेल आउट कर सकते हैं, ना किसी को सू कर सकते हैं, क्योंकि पूरा पर्टिकुलरली आपके गवर्नमेंट का ही हिस्सा है, तो अलग से इनकी कोई पहचान नहीं है। एंड लास्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। यहाँ आपके पास सारा का सारा गवर्नमेंट ही रन करती है चीज़ें, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो सारी चीज़ें। अगर हम देखें तो आप अपने पार्ट पे अपनी मर्जी नहीं चला सकते हैं, आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी वो लाई करेगी आपके डिपार्टमेंट के पास में, तो सारी चीज़ें वो होल्ड करके आपके पास आपका चलेगा। ऑटोनॉमी का मतलब होता है मन मर्जी करना, वो चीज़ें यहाँ नहीं होंगी। तो ये थे आपके पास फीचर्स आपके डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के, मेरिट्स डिमेरिट्स क्या हैं, और बाकी के आपके दो टाइप के पब्लिक सेक्टर इंटरफेसेस क्या हैं वो हम स्टार्ट करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।